प्रिंस, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. ओके, ध्यान से चेक करिए बच्चों, हेमिस्फेरिकल टैंक है कोई. हेमिस्फेरिकल कैसा होगा, आपको ऐसा दिखाई पड़ेगा. देखिए ये स्फेयर है, ऐसा बीच से इसको हमने कट कर दिया, ठीक है ना. और ये देखिए ये हेमिस्फेरिकल है, ठीक है, ठीक, ये ऐसा है. तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा, लेकिन पता है इसमें खास बात क्या है बच्चों, कुछ ऐसा दिखाई पड़ेगा ना, हेमिस्फेरिकल हाफ स्फेयर आपको दिखाई पड़ेगा ऐसा, ठीक है. ये ऐसा टैंक है, लेकिन अब खास बात ये है बच्चों, ये जो टैंक का टॉप देखोगे आप, टैंक का टॉप ये देखोगे ना जब, तो बच्चों इसकी थिकनेस भी तो होगी कुछ. कैसी सर थिकनेस, अरे कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं, कितनी मोटी इसकी दीवारें हैं. ध्यान से चेक करिए, आपको हम दिखाते हैं इससे. ये देखिए ये वुडन बॉक्स हमारे पास, हेमिस्फेरिकल तो नहीं है ये, इसका शेप अलग है, लेकिन आप बात समझो जरा, हम इस थिकनेस की बात कर रहे हैं, ये वाले की थिकनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है ना. तो जब भी थिकनेस की बात करता है क्वेश्चन में, तो कितने रेडियस होते हैं बताइए, टू. कौन सा, एक इनर रेडियस और एक आउटर रेडियस, ठीक है ना. तो इनर रेडियस और आउटर रेडियस आपको यहाँ बोर्ड में कैसे दिखाई पड़ेंगे, ध्यान से करो. इनर रेडियस कहाँ से कहाँ होगा, सेंटर से लेके, ये सेंटर से लेके यहाँ तक, और आउटर रेडियस सेंटर से लेके बाहर वाले सरफेस तक. तो ध्यान से चेक करो बच्चों, यहाँ पर कैसा होगा, कुछ इस तरीके का होगा. ये देखिए ठीक, ये देखिए इनर रेडियस ये हो गया, और आउटर रेडियस यहाँ से यहाँ तक. कोई डाउट है बताइए. हाँ, अब आपको हम इसका टॉप व्यू दिखाते हैं. टॉप व्यू ऊपर से देखोगे ना ऐसा, ये देखिए जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक. तो टॉप व्यू अगर हम इस टैंक आपको दिखाएं, यहाँ बना रहा हूँ मैं टॉप व्यू, ये क्या आपका टॉप व्यू, यानी कि ऊपर से देखा ऐसे टॉप से, ठीक है. तो आपको ये ऐसा दिखाई पड़ेगा कि नहीं दिखाई पड़ेगा, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स दिखाई पड़ेंगे. कॉन्सेंट्रिक मतलब जिनके सेंटर्स क्या हो, सेम हो. ये देखिए, ये देखिए, इस सर्कल के लिए भी सेंटर यही है, और ये बाहर वाले सर्कल के लिए भी सेंटर यही है, यही वाला पॉइंट है ओ. तो ओ से लेके ए तक ये इनर रेडियस है, और ओ से लेके पॉइंट बी तक ये आउटर रेडियस है. कोई डाउट है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो. इन्होंने क्या बोला है आपको, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. ये एक आयरन शीट से बना है जो कि कितनी थिक है, 1 सेंटीमीटर थिक है. कोई डाउट है, ठीक है. अच्छा, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. तो 1 सेंटीमीटर थिक जो इन्होंने बोला है, थोड़ी मेरे से गलती हो गई, 1 सेंटीमीटर जो थिक बोला है बच्चों, वो हेमिस्फेरिकल टैंक के लिए बोला है. किसके लिए बोला है, हाँ. तो आप ऐसे पढ़ो, हेमिस्फेरिकल टैंक इज मेड अप ऑफ एन आयरन शीट 1 सेंटीमीटर थिक. अब ऐसे पढ़ो, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज, इसको मत पढ़ो, ऐसे पढ़ो, अ हेमिस, जो मैंने ब्रैकेट में लिखा ना इसको मत पढ़ो बच्चों, अ हेमिस्फेरिकल टैंक इज 1 सेंटीमीटर थिक. अब ठीक है, हेमिस्फेरिकल जो टैंक है वो कितना थिक है, 1 सेंटीमीटर थिक है, और जो ब्रैकेट में लिखा है मेड अप ऑफ एन आयरन शीट, वो किसी आयरन शीट से बनाया गया है, ठीक है ना. ओके, अब ध्यान से चेक करो. सोचो बच्चे बोलेंगे सर ये क्या करा दिया आपने, ये हमने आपको समझाने के लिए बताया. एक्चुअल में क्या है मामला, समझ रहे हो, मामला ये है कि एक आयरन शीट है बच्चों, जैसे ये शीट है हमारे पास. अब ये देखिए, ये ऐसी आयरन शीट है, आयरन शीट की जो थिकनेस होगी, इसी को मोड़ मोड़ के, ये देखो ना आयरन शीट की ये थिकनेस है. अरे इसी को ऐसा एक मशीन में डाल के ऐसा कर्व शेप दे दिया होगा ना, तो क्या बन गया होगा, हेमिस्फेयर. तो उस हेमिस्फेयर की भी थिकनेस कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर ही तो होगी, यही तो मैं बता रहा हूँ, सही है ना. इसको ऐसा घुमाकर ऐसा कटोरा बना दिया ऐसे किसी मशीन में डाल के, तो जो आयरन शीट की थिकनेस होगी वही तो किसकी थिकनेस होगी, हेमिस्फेयर की. बात समझ में आई कि नहीं आई, तो ये चीज़ है. ओके, अब थिकनेस आप समझते हो, ये चीज़ है थिकनेस, ये थिकनेस, ये है थिकनेस, ये कितना मोटा है. तो इस थिकनेस को हम यहाँ डायग्राम में दिखा सकते हैं, ये देखिए ये है थिकनेस, ये कितना है बताइए, 1 सेंटीमीटर. तो थिकनेस कितनी है, यहाँ से यहाँ तक, ये ठीक है, ये थिकनेस कितनी है, बोलिए फटाफट, 1 सेंटीमीटर. को डाउट है बताइए, यहाँ पे देखोगे तो कैसी दिखाई पड़ेगी, ये है थिकनेस, हाँ कितनी है, 1 सेंटीमीटर. को डाउट है, अब मेरे को बताइए आप लोग ध्यान से बच्चों, इनर रेडियस ओ से ए तक है, ओ ए, आउटर रेडियस कहाँ से कहाँ तक है, ओ से बी तक. तो आप मुझे बताइए, अगर इनर रेडियस कोई मुझे बता दे, तो इनर रेडियस में मैं क्या ऐड करूँ कि आउटर रेडियस आ जाए, 1 सेंटीमीटर उसकी थिकनेस. नहीं समझ में आई बात, यानी कि जो रेडियस आउटर होगी, आर ओ का मतलब आउटर रेडियस, इज गिवन बाय व्हाट, इनर रेडियस, चेक करो यहाँ से यहाँ तक इनर रेडियस, हाँ ओ से ए तक, और ये वाली थिकनेस भी ऐड कर दोगे तो आपको आउटर रेडियस मिल जाएगी कि नहीं मिल जाएगी, समझ में बात की नहीं. तो आउटर रेडियस इज गिवन बाय इनर, इनर रेडियस, इनर यानी कि इनर रेडियस प्लस व्हाट, प्लस थिकनेस, यही बात है, ठीक है ना. अब मेरी बात से आंसर सुनो, कह रहा है कि
इफ द इनर रेडियस इज 1 मीटर, इनर रेडियस कितनी है 1 मीटर, तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी, ध्यान चेक करो, इनर रेडियस, रेडियस इनर कितना है 1 मीटर, ये वाला इनर रेडियस, तो रेडियस इनर की जगह कितना रखोगे 1 मीटर और प्लस थिकनेस कितनी 1 सेंटीमीटर, लेकिन बच्चों सेंटीमीटर मीटर में ऐड नहीं हो सकता है, तो क्या करोगे सेंटीमीटर को किस में चेंज कर लोगे मीटर में, तो 1 सेंटीमीटर को बच्चों मीटर में चेंज करिए, क्या करोगे 100 से डिवाइड लगा के, कितना आ जाएगा बताइए 0.01, सही है, तो कितना आ गया 1 सेंटीमीटर की जगह 0.01 मीटर, तो 1 मीटर और प्लस 1 सेंटीमीटर की जगह कितना लिखा हमने 0.01 क्या मीटर, अब मीटर को मीटर में ऐड कर सकते हैं कि नहीं, 1 + 0.01 कितना आ जाएगा 1.01, तो यहां से कितना आ गया 1.01 क्या मीटर, कोई डाउट है, तो आउटर रेडियस कितना आ गया, इनर तो आप लोग को पता ही था क्वेश्चन में दिया था कितना 1 मीटर, आउटर रेडियस पता चला, आउटर रेडियस कितना आ गया बताइए 1.01 क्या मीटर, अब देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द आयरन यूज टू मेक द टैंक, ओके इस टैंक को बनाने में कितना वॉल्यूम यूज हुआ है, किसका आयरन का, वॉल्यूम क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, तो आयरन ने कितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, तो आप मेरे को क्या बोलोगे सर ये स्पेस ऑक्यूपाई किया, ये छू के देखो ना ये स्पेस, मैं वॉल्यूम कैसे निकालोगे, तो आप बोलोगे सर एक काम करो पूरे वॉल्यूम में से अंदर वाले वॉल्यूम को क्या करो हटा दो, तो आयरन का वॉल्यूम आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वॉल्यूम क्या होता है स्पेस ऑक्यूपाइड, तो पूरे बाउल ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया, पूरे का मतलब वो वाला वॉल्यूम जो किसकी वजह से आ रहा है आउटर रेडियस की वजह से, तो पूरे वाले का वॉल्यूम, ये पूरे वाले का वॉल्यूम माइनस जितने में हवा भरी हुई है ये वाला, और पूरे का वॉल्यूम भी आपको कैसा दिखाई पड़ रहा है, पूरे का वॉल्यूम भी कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको हेमिस्फेरिकल, और अंदर का भी जिसमें हवा भरी हुई उसका भी वॉल्यूम कैसा दिखाई पड़ रहा है आपको हेमिस्फेयर जैसा, यानी कि बाहर वाले के लिए भी वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला लगेगा हेमिस्फेयर वाला 2/3 πr³, लेकिन रेडियस कौन सी रखेंगे आउटर वाली, और अंदर के लिए जब वॉल्यूम निकालेंगे, अंदर वाले जब वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फेयर ही लगेगा, लेकिन रेडियस कौन सी रखेंगे इनर वाली, फिर क्या करेंगे बाहर वाले वॉल्यूम में से किसको माइनस कर देंगे अंदर वाले को, तो किसका वॉल्यूम आ जाएगा आपका आयरन का, नहीं समझ में आई भाई, भाई पूरे ने जितना स्पेस ऑक्यूपाइड किया है माइनस अंदर जितना स्पेस है तो किसका स्पेस आ जाएगा आयरन का, कि आयरन ने कितना स्पेस लिया हुआ है, और आयरन ने जो स्पेस लिया है वही तो क्या है वॉल्यूम ऑफ द आयरन, क्योंकि वॉल्यूम की डेफिनेशन क्या होती है स्पेस ऑक्यूपाइड बाय एनी ऑब्जेक्ट इज नोन एज व्हाट वॉल्यूम, तो यहां पर अगर हम बोले तो वॉल्यूम ऑफ व्हाट आयरन है ना, वॉल्यूम ऑफ आयरन इज गिवन बाय व्हाट, वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर है ना हेमिस्फेयर माइनस व्हाट वॉल्यूम ऑफ इनर हेमिस्फेयर, कोई डाउट है, बस अब निकाल लीजिए वॉल्यूम ऑफ आउटर हेमिस्फेयर 4/3 πr, r कौन सा आउटर वाला πr³, आउटर वाला रेडियस का क्यू, सॉरी वेरी सॉरी हेमिस्फेयर है ना, तो 2/3 πr³, ठीक है, माइनस वॉल्यूम ऑफ इनर, तो 2/3 π, रेडियस कौन सा रखेंगे इनर वाला और क्यू, कोई डाउट है, अब ध्यान से चेक करो बच्चों इन दोनों में से, ये फर्स्ट टर्म है ये क्या है सेकेंड टर्म, क्या कॉमन आ रहा है ध्यान से चेक करिए जरा, 2/3 π फर्स्ट में भी है 2/3 π सेकेंड में भी, तो कॉमन ले लेंगे 2/3 π कॉमन ले लिया, क्या बच गया बताओ आर ओ यानी कि आउटर रेडियस का क्यू माइनस इनर रेडियस का क्यू, कोई डाउट है नाउ 2/3 क्या पाई का वैल्यू कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं, तो कितना लेंगे 22/7 और ब्रैकेट में आर ओ, आर ओ आउटर रेडियस कितना है 1.01 का क्या करना है क्यूब माइनस इनर रेडियस कितना है 1 का क्यूब, और जो भी आंसर आएगा वो किसमें आएगा मीटर क्यूब में, क्योंकि दोनों रेडियस किसमें मीटर मीटर में है ना, तो ये भी मीटर क्यूब में आएगा, ये भी मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब माइनस मीटर क्यूब तो मतलब मीटर क्यूब में ही आंसर आएगा, तो वॉल्यूम किसमें आ जाएगा मीटर क्यूब में, अब बस कुछ नहीं करना है इसको सॉल्व करना है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा ध्यान से चेक करिए 2 × 22 कितना हो जाएगा 44/3 × 21 × 1.01 का क्यूब करना है, अब ये मशक्कत वाला काम है, देखते हैं क्या होता है 1.01 का क्यूब यानी कि 1.01 × 1.01 पहले 2 times मल्टीप्लाई करेंगे फिर 1 time और कर देंगे, कितना आएगा 1 × 1 = 1 × 1 = 0 × 1 = 1 है ना 0 × 0 = 0 × 0 = 0 × 0 = 0 फिर क्रॉस फिर क्रॉस, तो 1 × 1 = 1 × 0 = 0 × 1 = 1 ठीक है, कितना आ जाएगा 1 0 1 + 1 2 0 1 पीछे से 1 digit 2 4 1 2 3 4 4 digit छोड़ के डेसिमल लगा देंगे, ठीक है, तो आंसर कितना आ गया बताइए 1.0201, अभी इसको किससे हमें मल्टीप्लाई करना है
1.01 से फिर से करना है, नहीं समझ में बात भाई, 1.01 का क्यूब है ना, यानी कि 1.01 इंटू 1.01 इंटू 1.01, तो 1.01 इंटू 1.01 का तो रिजल्ट आ चुका है, कितना आया। अब इसको फिर से करेंगे 1.01 से, करी 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 2 जा 2 1 0 जा 0 1 1 जा 1 ठीक है 0 1 जा 0 0 0 जा 0 0 2 जा 0 0 0 जा 0 0 1 जा 0 इनटू इनटू ओके 1 1 जा 1 1 0 जा 0 1 2 जा 2 1 0 जा 0 और 1 1 जा 1 करेक्ट, कितना आ गया 1 0 2 प्लस 1 3 0 2 प्लस 1 3 0 और यहां पे आ गया 1 ओके पीछे से 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 1 2 3 4 5 और 6 कितना आ गया 1.0303 ऐसे करके आ रहा है ना, तो ये आ गया आपके पास कितना 1.03, बस मैंने इसको 1.03 लिखा है अप्रॉक्स में, नहीं समझे बात, चेक करो ना, चलो पूरा लिखना है, पूरा लिख लो 1.03 बाद में राउंड ऑफ कर लेंगे 1.03031 और माइनस 1 का क्यूब क्या होता है 1 होता है भाई, 1 का क्यूब का मतलब क्या 1 into 1 into 1 1 हो जाएगा ओके सॉल्व करोगे इसको कितना आ जाएगा यहाँ से, यहाँ कर रहा हूँ 44/21 into 1.03031 में से 1 माइनस करोगे, आता है करना, कैसे करोगे बताओ, ध्यान से चेक करिए, इसमें से आपको क्या माइनस करना है 1, तो 1 लिख के पॉइंट लगा के 0000000 बढ़ा देंगे, 1-0 1, 0-0 0, 3-0 3, 0-0 0, 3-0 3, 0-0 0, 1-1 0, इतना आ गया, कितना आ गया 0.030301 को डाउट है बताइए, हाँ को डाउट है। अब ना हम क्या करते हैं, काम करते हैं हम इसको अप्रॉक्स में आंसर निकालेंगे यहाँ, तो कैसे निकालेंगे उसको समझिए जरा, देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ राउंड ऑफ कर रहा हूँ, कैसे राउंड ऑफ करेंगे 44/21 इनटू इसको आप क्या लिख सकते हो बताओ 0.030301 को लास्ट में क्या है 1, इसको आप हटा सकते हो कम से कम, तो कितना आ जाएगा ये अप्रॉक्स में 0.0303 और 3 के बाद 0, अब 3 के बाद 0 का कोई मतलब है नहीं, ठीक है ना, तो आप इसको अप्रॉक्स में 0.0303 लिख लीजिए, ठीक है बस और सॉल्व कर लीजिए, तो आ जाएगा 0.0303 ठीक। ऐसा हमने जानबूझ के किया बिकॉज 3 प्लस 3 कितना होता है 6, जो कि 3 की टेबल में आ रहा है, नीचे देखो 3 7 का कितना हो जाएगा 21 और यहाँ पे कैंसिल करोगे जब तो ये वाला 0 ऐसे ही डेसिमल ऐसे ही 0 ऐसे ही 3 1 3 और ये वाला 0 3 1 3, कोई डाउट है बताइए। अब 44 को किससे मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.0101 से, ठीक है ना, और जो भी आंसर आएगा उसको 7 से क्या करेंगे डिवाइड, इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए हटा दूंगा मैं, कॉपी कर लीजिए, कर लिया हटा दें, चलो अब देखो जरा क्या रहा है यहाँ पर 0.0101 को मल्टीप्लाई कर लो किससे 44 से, इसको 44 से कर लो 4 1 4 4 0 0 4 1 4 4 0 0 4 0 0 इनटू फिर से सेम नंबर आएगा ना कितना आएगा 4 0 4 0 0 ठीक है 4 4 प्लस 0 4 4 प्लस 0 4 4 प्लस 0 4 0 0 पीछे से 1 2 3 4 1 2 3 4 कितना आ जाएगा 0.44 हाँ तो ये आ गया 44 × 0.0101 कितना आ गया 0.4444 और डिवाइडेड बाय व्हाट 7 ठीक। अब एक काम करो देखो ये आंसर जो भी आ रहा है किसमें आ रहा है मीटर क्यूब में आ रहा है, एक काम करो यहाँ से डेसिमल हटाया ठीक, नीचे कितना आ जाएगा 1 2 3 4 0 आ गया ठीक, कितना आ गया ऊपर 4444 और डिवाइडेड बाय 7 जो भी आएगा उसको 1000 से डिवाइड लगा देंगे, नहीं समझ में, इसको हम क्या लिख सकते हैं इंटू 1/1000 नहीं है 10,000 है ठीक है ना, ऐसा भी लिख सकते हैं कि 444 × 1 वापस क्या जाएगा 444 और नीचे क्या जाएगा 7 × 1000 ऐसा लिखते हैं, तो इसका जो भी आंसर आएगा उसको हम 1000 से क्या करेंगे डिवाइड करेंगे ठीक है ना, चलो करते हैं, इतना कॉपी करिए, कॉपी करिए, कर लिया हटा दें, चलो अब देखो जरा कैलकुलेशन के लिए तो आप लोग को तैयार रहना ही पड़ेगा इसमें है ना, देखते हैं क्या आएगा 4444 को 7 से डिवाइड करेंगे, बताइए कितने टाइम से आएगा ये 7 6 42 है ना, 4 2 2 यहाँ कुछ नहीं बचेगा 4 कॉपी करेंगे 7 3 व्हाट 21 4 3 4 1 3 फिर यहाँ से 4 कॉपी करेंगे ठीक है 7 5 35 7 4 क्या 28 ठीक है ना, 4 यहाँ से कैरी लेंगे 14 8 6
टू माइनस टू नथिंग, डेसिमल जीरो. ओके फिर कितना टाइम जाएगा चेक करिए, सेवन एट ज़ा 56, ठीक है ना, ये हो जाएगा 4. फिर पॉइंट के इतना काफ़ी है, पता है क्यों, क्योंकि अभी आपको 10,000 से डिवाइड भी तो लगाना है. चेक करो इतने पोर्शन का आंसर क्या आया, बोलो फटाफट, 634.8 और अपॉन में क्या है 10,000 मीटर क्यूब. कैसे लगाओगे डिवाइड बताओ, देखो ये डेसिमल 1, 2, 3, 4, 0 है, 4 प्लेस कहाँ आएगा, लेफ्ट में. अब 6 के आगे एक जीरो बढ़ा लेंगे और इस पॉइंट को कहाँ ले आएंगे, यहाँ पे, तो कितना आ जाएगा बताइए, डेसिमल 0, 6, 3, 4, 8 और डेसिमल के आगे फिर से 0 मीटर क्यूब. बताइए कोई डाउट है, दिस इज द रिक्वायर्ड वॉल्यूम 0.06348 मीटर क्यूब. ओके कर लीजिए.